हर स्वदेशी चीजों पर तिरंगे के निशान हो, अपनी सभ्यता और संस्कृति न भूलना, यही भारत की पहचान हो। क्लास टेंथ का हिंदी जो कि काव्य खंड है, उसका यह 4 लेसन है जिसको बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखा गया है, यानी कि इनको प्रेम घन भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित एक चैप्टर है जिसका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या होता है बाबू? यानी खुद के देश में जो उत्पादन हो रहा है उसका उपयोग करें, विदेशी चीजों का उपयोग ना करें। हम लोग अपने चीजों को बेकार करते जा रहे हैं, उपयोग नहीं करें और विदेशी चीजों का उपयोग करें। आप खुद फोन वगैरह यूज करते होंगे, कौन सा फोन यूज करते हैं? सैमसंग। अगर सैमसंग यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेड इन कोरिया, यानी कि अपने यहाँ कंट्री का नहीं है, यानी विदेश का है। लेकिन अपने यहाँ की कंपनी कौन है? माइक्रोमैक्स। पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया, क्या हुआ उसके साथ, कितना मतलब कुछ उसका था पता लगता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अपने देश के सामान का यूज करें, इसमें यही कहें हैं, यानी प्रेम घन द्वारा इसी के बारे में जानना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में देख लिया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए, कोई भी लेखक बनता है तो पहले वो किसी न किसी के कविता को पढ़ता है, ठीक है, उससे प्रभावित होकर के बाबू लेखक बनता है ना। तो यहाँ देखिए, ये भरतेंदु युग के क्या थे? महत्वपूर्ण कवि थे। भरतेंदु हरिश्चंद्र एक थे, कहा जाता है इनको हिंदी का पिता। ठीक है, उन्हीं के फैन थे एक तरह से समझो तो। ठीक है, इनका जन्म 1855 में हुआ, मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, और 1922 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जन्म के बाद मृत्यु डायरेक्ट नहीं हो गई, बीच में कुछ काम भी किए। ठीक है, देखिए क्या क्या, काव्य और जीवन का आदर्श, अपने जो भी काव्य ये लिखे हैं ना, इसके बारे में जो हम बताएंगे स्वदेशी, वो आइडियल आदर्श किससे मोटिवेट होकर लिखे थे? तो वो बाबू लिखे थे भरतेंदु हरिश्चंद्र से मोटिवेट होकर के, वो क्या लिखे थे? अपना काव्य लिखे थे। अब देखिए गद्य की इनकी लिखावट कैसी होती थी, तो गद्य की लिखावट था निहायत कलात्मक, यानी इसका अर्थ क्या होता है, तो बहुत ही सुंदर तरह से उनका कलात्मक, उनका क्या होता था, लिखावट होता था। अलंकृत गद्य, अलंकृत मतलब होता है सजा हुआ। ठीक है, सजाया हुआ बहुत ही रोचक गद्य हुआ करता था, कहानी वगैरह जो भी है। ठीक है, उन्होंने एक काम किया, यहां देखो 1874 में रसिक समाज की स्थापना की। आपसे पूछा जाएगा कि रसिक समाज, रसिक याद रखिएगा, रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो क्या बोलिएगा बाबू? यहां पे देगा आपको प्रेम घन, यही अधिकतर देता है, या फिर बद्री नारायण चौधरी द्वारा यह लिखा गया था। क्या? रसिक समाज की स्थापना। रसिक समाज की स्थापना कहां किया गया? तो मिर्जापुर में किया गया, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये जिस जगह के थे, मिर्जापुर इलाके के, अगर वहां जन्म हुआ तो प्राइमरी शिक्षा वहीं लिए थे ये। ठीक है, अब देखिए आनंद इनकी, ये थोड़ा सा देखिए, आनंद कादनविनी, यहाँ समझिएगा आनंद कादनविनी, और यहाँ नागरी नीरद, ये पत्र का संपादन है। पूछा जाएगा कि ये देखिए नागरिक नीरद, ये किसका संपादन है? ठीक है, किसके द्वारा संपादित किया गया है? तो आप क्या बोलिएगा? ये आपके प्रेम घन के द्वारा संपादित किया गया है। यहाँ देखिए साहित्य सम्मेलन में, साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में ये सभापति रह चुके हैं, यानी कि कहाँ के ये सभापति थे? तो यहाँ देखिए कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे। किस विभाग के? तो साहित्य सम्मेलन विभाग के। ठीक है, यहाँ देखिए इनकी रचनाएं थी। ठीक है, तो इनका नाम था प्रेम घन, तो उस पर एक रचना देखिए यहाँ पे, प्रेम घन सर्वस्व नाम से संग्रहित। ठीक है, इनकी एक रचना है, कुछ नाटक भी लिखे हैं, जो भी नाटक होता है ना लिखे हैं, भारत सौभाग्य। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में ऐसे रहेगा, इनमें से कौन से कवि का नाटक भारत सौभाग्य है, या भारत सौभाग्य किसके द्वारा रचित नाटक है? तो आप याद रखिएगा प्रेम घन के द्वारा। प्रयाग समागमन, प्रयाग समागमन किसका है? तो ये भी आप क्या बोलिएगा, यहाँ प्रेम घन यानी कि बद्री नारायण चौधरी के द्वारा। इनका एक काव्य था जीर्ण जनपद, ये याद रखिएगा जीर्ण जनपद, ये कई बार पूछा, ये भी है आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस आखिरकार ये काव्य, इस कविता में किसकी चर्चा की गई है? तो देखिए प्रस्तुत कविता जो स्वदेशी, इसके बाद जो चैप्टर, इसके बाद जो हम बताने वाले हैं लेखक के बारे में बता लेने के बाद, ठीक है, स्वदेशी प्रेम घनानंद द्वारा लिखित है। इसमें नव जागरण का स्वर मुखरित होता है। इसका मतलब, नव जागरण का मतलब नए तरीका से ये मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने देश की चीजें बन रहा है उसका उपयोग करो, उसको बढ़ावा दो, विदेशी चीजों का उपयोग मत करो, उसका बहिष्कार करो, उसी के बारे में, अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में ये जिक्र किए हैं। तो बिना देर किए हम लोग काव्य की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए स्वदेशी का कुछ, यहाँ पे जो भी काव्य दिया गया है बहुत शानदार है, और यहाँ पे पूर्ण रूप से भारत की सच्चाई के बारे में बताएगा कि अभी भारत में क्या चल रहा है। ठीक है, इंडिया को कहाँ होना चाहिए, इंडिया सिर्फ जुबान पे होना चाहिए या इंडिया दिल में होना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं। सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, और भारतीय कहूँ
भारतीय कछु ना अब भारत में दर्शात, यानी यहाँ पे ये आपके कवि जो हैं प्रेम घन वो कह रहे हैं कि अब भारतीय कछु ना अब भारत में, अब भारत में भारतीय लोग दिख ही नहीं रहे, सभी लोगों ने क्या करिए सभी विदेशी वस्तु नर, सभी लोगों ने नर हो या फिर कोई भी वस्तु हो, सभी लोग विदेश की वस्तु को धारण कर लिए हैं, हर रीति रिवाजों को, ठीक है, हर रीति रिवाजों में जो भी वस्तुएं खरीद रहे हैं वो विदेश की वस्तुओं को खरीद रहे हैं, विदेश की वस्तुओं को ला रहे हैं। आप छठ त्यौहार में देख सकते हैं, छठ पूजा में अलग अलग प्रकार की जो भी बंदूकें वगैरह जो भी बच्चा सब खरीदता है वो मेड इन चाइना, यही सब होता है, स्वदेशी चीज़ें हम लोग गंवा चुके हैं, यही ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि भारतीय कछु ना अब भारत में दर्शाता, अब भारत में तो भारतीय दिखिए नहीं रहा है, सब फॉरेनर हो गया है, सब अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, मनुष्य भारतीय देखी कोई, ध्यान से सुनिएगा इसको, मनुष्य भारतीय देखी कोई सकत नहीं पहचान, यानी कि भारतीय मनुष्य को देख करके पहचान नहीं पाओगे कि ये भारतीय है कि नहीं, उसमें एक गुण अब भारतीय का नहीं रहा है, ठीक है। मुसलमान हिंदू किधो के हैं ये किर्गिस्तान, ना मुसलमान पहचान में आ रहा है ना ये हिंदू पहचान में आ रहा है, ये सब लोग किस तरह से, क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है, क्रिश्चियंस होता है, सब लोग क्रिश्चियन यानी अंग्रेज की तरह दिख रहा है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये कोई भारतीय की तरह नहीं दिख रहा है। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि परदेशी पाए, यहां समझिएगा, विदेश से पढ़ करके आ रहे हैं और बुद्धि भी एकदम विदेशी जैसा हो जा रहा है, किसी के प्रति रहम नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, चाल चलन परदेश की गई है अति भाई, और देखो चाल चलन जितना भी रहन स्वभाव है सब विदेशों का हो गया है, ठीक है, अंग्रेजी अंग्रेजी रहन स्वभाव वगैरह अपना लिया गया है और इन्हें अब क्या विदेशी चीज़ें ही अच्छा लगती है, चौमिंग सौमिंग बर्गर सर्गर जितना भी है बस यही सब अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि विदेश में पढ़ क्या है, इंग्लिश पढ़ के बाबू साहब आए हैं, है ना जी। यहाँ देखिए ठटे विदेशी ठाट सब, ठीक है, झूठ मूठ के क्या कर रहे हैं, विदेशी ठाट में एकदम रह रहे हैं, ठीक है, बनियो देश विदेशी, यहाँ देश में रह करके अपने आप को विदेशी शो कर रहे हैं। यहाँ देखिए, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय ठेस, और सपना में भी वो भारत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सपना में भी भारत के बारे में, भारत की चीज़ों के बारे में उनको ध्यान नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, यानी कि इस हिंदू लोगों में अगर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में बहुत कम लोग अब हिंदी बोल, हिंदी नहीं बोल सकते हैं, आ रहे हैं और क्या इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, हर एक प्रकार का वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हिंदी नहीं बोल सकते हैं, बेइज्जती महसूस होता होगा इसलिए नहीं बोल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, एकाएक कोई एक्सीडेंट हो तो कहते हैं अरे बाप रे ये हिंदी हुआ, लेकिन आजकल कह रहे हैं ओ माई गॉड, ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही चलता है, ये देख ही रहे हो, कुछ अंग्रेजी भाषा इंक्लूड कर दिया गया, हम लोग अपने अंदर के रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति पहले कैसे थी वो सब भूल करके हम लोग विदेश की हर चीजों को अपनाते जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए गलत है। यहां समझिएगा, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, यहां समझिएगा, अंग्रेजी बोल रहा है लो और अंग्रेजी सामान का उपयोग कर रहा है लो, ठीक है, और एक तरह से स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है, हर भारतीय चीज बहुत ताकतवर होता है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी अपनाते जा रहे हैं, अंग्रेजी चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप अब कुछ देर के लिए मान लीजिए कि जितने भी टाउन शहर वगैरह के जो भी स्टूडेंट आते हैं या फिर देहात के आते हैं, उन दोनों में बहुत फर्क होता है, वहाँ के दोनों के शरीर में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वो जो होता है जो आपके बाहर रह के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो आके क्या है, अंग्रेजी चीज़ों को अंग्रेजी वातावरण को अडॉप्ट कर रहे हैं, और यहाँ के जो भारत जो गाँव में रह रहा है वो गाँव देहात के जो भी नॉलेज मिल रहा है उसको अडॉप्ट कर रहा है, हर प्रकार का खाना अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है, जो गाँव होगा ना काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कहेगा इसका शरीर समझो तो एक प्रकार के ये घी वगैरह का यूज ज्यादा करता है, वो डालडा का दे डालडा जैसा रहेगा या फिर क्या बोलते हैं वो रिफाइन जैसा रहेगा। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यानी कि अंग्रेजी वाहन का अंग्रेजी वसन, वसन मतलब वस्त्र का वेशभूषा, ये सब हम लोग अपनाते जा रहे हैं, ठीक है। पहले का एक अच्छा संस्कार होता था कि कपड़ा कैसे पहनता है, आजकल कपड़ा तो देख ही सकते हो, ठीक है, कैसे पहना जा रहा है आप देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग होते जा रहा है ना जी। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, ठीक है, और अंग्रेजी रुचि यानी कि हर तरह से लोग अंग्रेजी के हर चीज़ों में रुचि लेने लगे हैं, ठीक है, और अपने देश के हर चीज़ों में रुचि खत्म होते जा रहा है, एकदम उल्टा हो रहा है, सब लोग भीड़ गए हैं क्या, हर तरीका से घर में सामान है सबसे ज़्यादा विदेशी होगा, देशी सामान तो कुछ होगा नहीं, देश के विपरीत हर काम होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए,
हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, हिंदुस्तान का नाम सुन के अब ये लोग लजा रहे हैं, भारत के लोग शर्म कर रहे हैं कि बाप रे और सब देश कितना डेवलप है, हिंदुस्तान मतलब बेकार है। ठीक है, अब देखिए, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाथ घिनात, और भारतीय के सब वस्तु से लोग घिना रहे हैं कि नहीं, यहाँ का सामान क्या बहुत कमजोर होता है, विदेश का सामान है, ये चाइना का सामान है, बहुत ज्यादा इंटर टिक है, तो चाइना वाला कितना टिकता है, या फिर और भी कंट्री है, जैसे मान लीजिए कुछ आपको बताए थे सैमसंग हो गया, सॉरी ये माइक्रोमैक्स हो गया, मोटरेला हो गया, मोटरोला वगैरह जितना भी फोन है, हम लोग क्या करते हैं, हर प्रकार का जो भी फोन यूज करते हैं ना, इंडिया का यूज नहीं करते हैं। माइक्रोमैक्स आप कभी यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं, उसका तो जमाना ही चला गया, कहाँ लुप्त हो गया पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग भारतीय चीजों को पसंद नहीं करते, उसे घिनाते हैं। ठीक है, घृणा करते हैं। देश नगर बानक बनो, यहाँ देखो, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। अब देश क्या होता है, धीरे धीरे अंग्रेजी चालों में बदल रहा है, अंग्रेजी भाषा में बदल रहा है, अंग्रेजी रीति रिवाज को अपनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, और हम लोग के हर जगह अगर देखो तो गोदाम वगैरह, हमारे दिल में हर चीज में क्या भर चुका है, अंग्रेजी चीजों का बसाव हो गया है। ठीक है, हम लोग अब भारतीय चीजों को पसंद नहीं करते हैं, हर गोदाम वगैरह में भी अगर जाओगे सामान वगैरह देखने तो वहां भी क्या भरा है, किस प्रकार का माल भरा है, अंग्रेजी माल भरा है। ठीक है, अब देखो, जिनसो समलत सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढीली, यहाँ समझिएगा, जिन नेता लोगों को अपनी धोती ढीली यानी भारतीय धोती जो होता है वो संभाल में नहीं आता है, वो देश क्या खाक चलाएंगे, हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करेंगे, यही इनका नारा होना चाहिए। क्योंकि पता होना चाहिए कि बाबू, अच्छा आपसे हम क्वेश्चन कर रहे, कमेंट में जरूर बताएंगे, आप एक भारतीय हैं तो क्या इस भारत से खुश है जो अभी भारत है, या फिर जिस समय अपना देश आजाद हुआ था और उस समय हमारे पास कुछ नहीं था और सब चीजों को लोग इकट्ठा करके और इस भारत की एक नींव रखे, एक तरह से देखो तो भारत में हर एक व्यक्ति के सहयोग से यहां तक भारत पहुंचा, यही देखने के लिए पूरा का पूरा इंडिया भ्रष्ट हो चुका है। आखिर इसका वजह क्या है, इसका वजह है यहाँ के नेता लोग, हर चीज में घुसखोरी चल रहा है, हर चीज में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, और ये सबको पता है, लेकिन कोई सबको एक दूसरे से इग्नोर करे, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा सिस्टम कचरा हुआ है, पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। हमें इस भारत पर गर्व नहीं है, हम अपना बात बता रहे हैं, हमें इस भारत पर गर्व नहीं है, हम अभी शर्म आता है कि हम इस भारत में हैं, अभी के भारत में, इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि वो भारत नहीं रहा, अखंड भारत नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार भर चुका है। एनीवे इधर हम लोग ध्यान देते हैं, इस प्रबंधक करिए वे यह कैसी खाम ख्याली, और देखिए जिनसे अपनी धोती नहीं संभाल में आ रही वो देश का प्रबंध करेंगे यानी देश को बचाएंगे, ये कैसी ख्याली पुलाव बना रहे हो भाई। ठीक है, अपना पहले धोती संभालो बाद में चल के देश संभालना, ठीक है, सही से तो देश के बारे में सोच नहीं सकते हो, बर्बाद करोगे, युवा बेरोजगार होते जाएंगे, ये गारंटी है बाबू, युवा बेरोजगार होते जाएंगे, महंगाई बढ़ते जाएगी, क्योंकि अपने से तो फुर्सत है नहीं, तो जनता के बारे में क्या सोचा जाएगा। याद रखिएगा, नेता का रूल, हमको कभी कभी लगता है कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, कभी कभी यहां लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, हर तरीका से मूर्ख बनाया जा रहा है, हर तरीका से डिमोटिवेट किया जा रहा है। ये जो डेमोक्रेसी है ना, कुछ नहीं है, जनता के द्वारा जनता की ऐसी की तैसी इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, यही होना चाहिए यहाँ का डेफिनेशन। ठीक है, लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र का मतलब यही हो रहा है। ठीक है, जनता द्वारा ही लूटा जा, जनता के द्वारा बनाया जा रहा है और जनता को ही लूटा जा रहा है। यहां देखिए, अब दासवृत्ति की चाह चाहूं, यानी कि यहाँ पे पता है हिंदू मुसलमान क्या चाह रहे हैं, ठीक है, दास बनना चाहते हैं, यानी कि अंग्रेज कैसे फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, अपना मालिक कोई नहीं बनना चाहता है, सब लोग क्या दासवृत्ति यानी कि नौकर चाकर की चाह रखते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। यहाँ देखिए, दिशी चारहू वर्ण बढ़ा ली, चारहू मतलब जिस तरह चार होता है ना, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य क्षुद्र, ये चारों होता है, वो लोग सभी लोग चारों क्या बनना चाहते हैं, दास बनना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, सभी लोगों के दिमाग में फिट हो गया कि सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, सरकारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि उसमें आराम है, उसमें लूट करके खाने में बहुत मजा है। ठीक है, यहां देखिए, करत खुशामत झूठ प्रशंसा, झूठ मूठ के प्रशंसा करते हैं भारत का, ठीक है, कि भारत बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ देखिए, नामहू बने डफाली, ठीक है, और झूठ मूठ के भारत का नाम लेकर के डफाली बजा रहे हैं, इंडिया इज द ग्रेट, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, ऐसे सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन पता है यहाँ पे सब लोग दास नौकर चाकर बनना चाहते हैं। ठीक है, और सब कंट्री में क्या है, गवर्नमेंट जॉब का उतना वैल्यू नहीं होता है, पता है क्यों, क्योंकि जितना काम किया जाएगा ना उतना पेमेंट मिलेगा, यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, यहाँ आराम के लिए गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, और दूसरा कोई नहीं, प्राइवेट जॉब में भी बहुत पैसा है वहाँ, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। तो यही अपने देश के बारे में डीपली पूर्ण रूप से बताएं, स्वदेशी।
यहां पे बोल रहे हैं कि ये सब अपने इंडिया में अब हो गया है, जबकि स्वदेश खुद के देश को आगे बढ़ाना चाहिए, खुद के देश के सामान को यूज करना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं बिहार में कितनी फैक्ट्रियां हैं, बिहार में कोई फैक्ट्री ही नहीं है। यहां फैक्ट्री नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा तो लोग बेरोजगार पड़ेंगे, ठीक है। और यहां बिहार में आप लोग देख सकते हैं हमेशा सीट बदला जा रहा है, कभी उसके पार्टी में, आज इनके पार्टी में जाके इनको गाली दे रहा है, आज इनके पार्टी में जाके इनको गाली दे रहा है, और कहा जा रहा है कि वाह बिहार ग्रोथ कर रहा है, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इंडिया के जीडीपी बढ़ रहा है। बस यही होते रहेगा, सिर्फ पेपर में इंडिया इज महान है, ठीक है, रियल लाइफ में यहां सब कुछ तबाह होते जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, तो यही सब इसमें हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो ना तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस बात से आप सहमत है कि हमारी पुरानी संस्कृति अच्छी है, या इस बात से सहमत है कि हमारे देश के प्यारे प्यारे नेता हमेशा लूट करके बर्बाद कर रहे हैं, और कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान में कुछ नया चल रहा है, क्या चल रहा है ये सब कोई जानता है, कमेंट में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।